वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम बैसाखी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम उस एक किस्से के बारे में समझेंगे कि आखिर वो हुआ क्या था कि उस 20वीं शताब्दी में उस एक किस्से को सबसे बड़ा, सबसे बुरा राजनीतिक अपराध का दर्जा दिया गया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बैसाखी होती क्या है। बैसाखी भी भारत के अन्य फसल वाले त्यौहारों के साथ संबंध रखती है। इसे भारत में सबसे पहला हार्वेस्ट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है। इसे कई प्रांतों में बोहाग बिहू, रंगाली बिहू, पोयला बैसाख, पुठंडू, विशु आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसान मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी रबी की फसल हमें दे दी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं पंजाब की। सन 1699 में सारे सिख एक जगह एकत्रित हुए थे, क्या करने के लिए? बैसाखी मनाने के लिए। वहीं पे सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने टेंट से एक तलवार लेके बाहर निकलते हैं और वहाँ आई जनता से पूछते हैं कि क्या कोई अपने धर्म के लिए अपने जीवन को दांव पे भी लगा सकता है? तो वो आगे आए, कई लोग आगे आए और इसी तरह खालसा पंथ की स्थापना हुई। भारत में जहाँ एक तरफ ये त्यौहार खुशियों का पर्व है, तो वहीं कई गांव में आज भी 102 साल पहले हुए एक हत्याकांड का शोक मनाया जाता है। आप सबने ज़रूर पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मसाक्र, जब जनरल डायर ने कई मासूमों पर आकर गोली चला दी थी, गोलियों की बारिश कर दी थी। आज भी उस बाग में कुछ बदला नहीं है। आज भी उस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान ताज़े हैं। कुएं में कूदे उन हज़ारों लोगों की बातें अभी सुननी बाकी हैं और वो जो गोलियों से मारे गए उनको हमारा नमन। इसी दुर्घटना ने उधम सिंह के अंदर चिंगारियों को बदले की आग में बदल दिया। ये बदला ब्रिटिशर्स से था, ये बदला आज़ादी का था, ये बदला हम सब के लिए था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख की एकता की नींव रखी थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आज़ाद सिंह रख लिया था। इसीलिए इस दिन को उधम सिंह रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किस्सा पुराना है पर जख्म अभी भी ताज़े हैं। विस्तार से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, आखिर क्यों इतने सारे निर्दोषों और मासूमों पर गोलियां बरसाई गई थी। साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कई नए अधिनियम भारत में लगाए थे। उनमें से एक था रॉलेट एक्ट, इसे मार्च 1919 में पास किया गया था। इस एक्ट के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। उन्हें देशद्रोह के अपराध में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में बिना किसी सुनवाई के कैद किया जा सकता था। इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को ये ताकत दे दी थी कि वो बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे वो भारतीय क्रांतिकारियों को किसी भी बात के लिए, मतलब कोई भी अगर उन लोगों ने आवाज़ उठाई है तो उसके लिए भी वो देशद्रोह का अपराध मनवाकर उनको जेल में डाल सकते हैं। अब ये बात तो गलत थी ना। इसी से वो क्या करना चाहते थे, वो क्रांतिकारियों की जो कार्यवाही चल रही थी उसको दबाना चाहते थे ताकि फ्रीडम फाइट का जो ये स्ट्रगल था वो कर ना सकें। गांधी जी ने इस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने ये आंदोलन देश भर में शुरू कर दिया। अप्रैल 1919 में अमृतसर में इसी आंदोलन के तहत हड़ताल की गई। अब अमृतसर में ये आंदोलन अहिंसात्मक से चलकर हिंसात्मक हो रहा था। अब इस स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए जनरल डायर को अमृतसर का क्षेत्र सौंप दिया गया। जनरल डायर ने अमृतसर की ये स्थिति को कंट्रोल में लाने का कार्यवाही
अप्रैल 11 से ही शुरू कर दी थी। पंजाब के कई प्रांतों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। अब मार्शल लॉ क्या करता था? मार्शल लॉ नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन लेता था। अब मार्शल लॉ के तहत ही उन्हें सार्वजनिक समारोह रखने की भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसका मतलब अगर कहीं पे भी 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हुए हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, उनको कैद किया जाता है। 12 अप्रैल 1919 में अमृतसर के 2 नेताओं को ब्रिटिश सरकार अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिससे अमृतसर के वासियों के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में कई लोग आए थे, बैसाखी मनाने आए थे, बैसाखी का पर्व था, और उसी के पास है गोल्डन टेम्पल, उसमें भी कई लोग आए थे बैसाखी का त्यौहार मनाने। अब वहाँ के जो गोल्डन टेम्पल में जो लोग थे, वह लोग भी कई लोग सैर करने जलियांवाले बाग में आ गए, घूमने आ गए, और वहीं जलियांवाले बाग में कई ऐसे लोग थे जो उन 2 गिरफ्तार हुए नेताओं पर चर्चा करने आए थे। 12:40 पर जनरल डायर को खबर मिलती है कि वहाँ एक सभा का आयोजन हो रहा है। करीब 4 बजे जनरल डायर अपने ऑफिस से निकलकर 150 सिपाहियों को अपने साथ जलियांवाले बाग लेके आता है, और बिना किसी को कोई चेतावनी दिए, बिना कुछ बोले, सीधा 10 मिनट तक गोलियों की बारिश करती गई है। इन 10 मिनटों में वो हरा भरा बाग खून से लाल हो गया। कई लोगों ने अपनी जान बचाने का सोचकर कुएं में भी कूद गए, पर जो धक्काबाजी थी, जो कुएं में कूदे मरे, आत्महत्या हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा जलियांवाले बाग के बारे में बताती हूँ। जलियांवाले बाग में आने और जाने का केवल एक मार्ग है। चारों तरफ से जो दीवारें हैं वो करीब 10 फीट की हैं, तो उसको पार करके जाना तो असंभव है। आज तक मृत लोगों की संख्या नहीं पता लगी है। कई लोगों का अनुमान है कि करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं ब्रिटिश सरकार का कहना है कि केवल 370 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे जब हंटर कमेटी ने पूछा कि आपने ऐसे गोलीबाजी क्यों की, कि आपने मासूमों की जान क्यों ली, बिना चेतावनी दिए गोलियां क्यों बरसाई, तब जनरल डायर ने कहा, मुझे लगा कि यदि मैं आज इनको छोड़ दूं, तो ये कल फिर से सभा रखेंगे, फिर से बात करेंगे ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने की, इसीलिए मैंने बिना कुछ कहे गोलियां बरसा दी। हंटर कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी करी, उसमें जनरल डायर को दोषी करार कर दिया गया। डायर को ड्यूटी से भी बर्खास्त कर दिया गया। 13 मार्च 1940 में अपना बदला पूरा किया, अपने बदले की आग को बुझाया। अब उन्होंने ये कैसे किया? जनरल डायर लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक स्पीच देने आए थे, वो वहाँ पे एक स्पीकर बन के आए थे। उसी में उद्धम सिंह जी भी गए थे। दीवार के पीछे से उन्होंने जनरल डायर को 2 गोलियां मार के मार दिया गया, पर वो वहाँ से भागे नहीं। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया कि जी हाँ, मैंने ही इन्हें गोलियों से मारा है। इसी के वजह से उन्हें उम्र कैद की भी सज़ा दी गई। इसी के ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है। हैप्पी बैसाखी। इस बार बैसाखी मनाते हुए एक बार उन शहीदों को याद करें, उन मासूमों निर्दोषों को याद करें जिनके पास हथियार भी नहीं थे और उन्होंने जलियांवाले बाग में अपनी जान गंवा दी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करें, क्योंकि अगर वो उस दिन अपनी जान ना दी होती, उस दिन वे लोग हमारे लिए खड़े ना होते, तो शायद आज आप एक स्वतंत्र समृद्ध भारत के नागरिक ना होते। धन्यवाद।